Hi everyone, once again welcome to my class. Students, already we have started this chapter surface area and volume. एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है जिसमें सिर्फ फॉर्मूले हैं तीनों. अभी आपको इस ईयर में तीन फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर. ओके, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें सिर्फ फॉर्मूले हैं. अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 16.1 सॉल्व करेंगे जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बेस पर है. इसका मतलब वी विल कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दिस फॉर्मूले, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. तो लेट अस फर्स्ट रिवाइज, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब. And next figure is volume of cuboid. Volume of cuboid is length into breadth into height. आपको इन्हीं दो फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करना है प्रैक्टिस सेट 16.1 के लिए. और यूनिट चलो हम रिवाइज करेंगे. वॉल्यूम का यूनिट या तो मीटर क्यूब होगा, या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, या तो फिर अगर हमें लीटर कन्वर्ट करना है तो हमने आपको कहा था मीटर क्यूब में अगर आपको आंसर मिला है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 टू कन्वर्ट इनटू लीटर. एंड सेंटीमीटर क्यूब में अगर आंसर मिला है तो डिवाइड बाय 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर. तो हमने अभी ये रिवाइज कर दिया है. अब हम प्रैक्टिस सेट 16.1 सॉल्व करेंगे. नाउ लेट अस मूव. Now we will read the question. See, the question is on the screen. Find the volume of a box if its length, breadth and height are 20 centimeter, 10.5 centimeter and 8 centimeter. You have to find the volume of the box. अब आपके given, बेटा एक हमेशा एक habit बनाओ, आपको given लिखना है. जैसे length, breadth and height. ये क्या given है? Let us write. So what is given? Length is 20 centimeter. How much is length? 20 centimeter. 10.5 centimeter and height is 8 centimeter. बेटा एक चीज का हमेशा याद रखना, ये जो डायमेंशंस है इनका यूनिट सेम होना चाहिए. कभी कभी वो लोग यूनिट किसी भी एक का डिफरेंट दे देते हैं, तो ऐसे इसमें आपको सेम यूनिट करना है. बट यहाँ पर देखो तीनों यूनिट सेम है. नाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. फर्स्ट वी विल राइट हाउ मच वी डोंट नो, देन वी विल राइट volume of the box is equal to length into breadth into height, 20 into 10.5 into 8. अब आप क्या करोगे, ये पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. सो 20 into 8 is 160 into 105. ओके, 5 0s are 0, 5 6s are 30, 5 1s are 5, 8, 0 0 0, 0 6 1. So it will be 16800. Decimal will come after one unit, so your answer is 1680 cubic centimeter. या फिर सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज योर आंसर. सो दिस वे यू विल सिस्टमैटिकली गो. फर्स्ट यू विल राइट गिवन, देन व्हाट यू हैव टू फाइंड, एंड हियर इज द सॉल्यूशन. सो दिस वे यू विल गो सिस्टमैटिकली. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. A cuboid shaped soap bar has volume 150 cubic cc, means cubic centimeter. Find its thickness
That means its height, if its length is 10 centimeter and breadth is 5 centimeter, तो हम given में क्या लिखेंगे बेटा? Given में लिखेंगे volume of, what is given? Cuboid shape. So how much? 150 cc. cc means cubic centimeter. Okay, find its thickness. Length is given, how much? 10 centimeter. And breadth is given beta 5 centimeter. And to find means thickness of the sole. Thickness of the sole means height. फॉर्मूले में हाइट वर्ड है ना, इसलिए हम इसको हाइट वर्ड ले लेंगे. सॉल्यूशन, क्यूबॉइड शेप सोप है ना, सोप का शेप देखो क्या है, क्यूबॉइड है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शेप सोप इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. सब्स्टिट्यूट, अब देखो ये दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा, लेंथ कितना है 10 है, ब्रेथ है 5 और हाइट है, वी डोंट नो हाइट, दिस इज द थिकनेस. ओके चलो 50 को हम डिवाइड करेंगे, यू विल गेट दिस थिकनेस, दैट इज देयरफॉर द थिकनेस आपका लास्ट का स्टेटमेंट होना चाहिए जो आपको पूछा गया है. ऑफ द सो इज 3 सेंटीमीटर. ओके दिस वे यू विल प्रेजेंट 16.1. इस चैप्टर के सभी सम्स को आपको इसी तरह प्रेजेंटेशन देना है, पहले गिवन लिखोगे टू फाइंड फिर सॉल्यूशन. ओके नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. See the question on the screen. How many bricks of length 25 centimeter, breadth 15 centimeter, height 10 are required to build a wall of length, height and breadth? इसका मतलब क्या है? एक वॉल बिल्ड करनी है आपको जिसमें छोटे छोटे ब्रिक्स लगेंगे जो क्यूबॉइडल शेप में है और वॉल भी क्यूबॉइडल शेप में है. तो बेटा ये आपको ड्रॉ करना नहीं है, सिर्फ हमको एक्सप्लेन करना है. गिवन में आप क्या करोगे? दो पार्ट करोगे, एक ब्रिक्स और एक वॉल. ब्रिक्स का आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिखोगे. ओके एंड वॉल का भी आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिखोगे. ओके अब क्वेश्चन में देखो, क्यूबॉइड ब्रिक्स की लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर, हाइट इज 10 सेंटीमीटर. और वॉल की लेंथ कितनी है बेटा? 6 मीटर, हाइट इज 2.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 0.5 मीटर. अब बेटा ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो इमीडिएटली हम मीटर को क्या करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. तो इन सब को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 600 सेंटीमीटर, ये होगा 250 सेंटीमीटर और ये होगा 50 सेंटीमीटर. सबको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर देखो एक डेसिमल है ना, उस हिसाब से आपको यहाँ 250 मिला और यहाँ पे 50 मिला. ओके नाउ एक वन थिंग यू कीप इट इन माइंड, बट एक क्वेश्चन जो रहता है ना, इसमें से कितना बनेगा,
या फिर वॉल में कितने ब्रिक्स लगेंगे, या फिर सिलेंडर में, सिलेंड्रिकल शेप वेसल में आइसक्रीम है उसको कोन में डिवाइड करना है। जैसे भी सिलेंड्रिकल शेप में आइसक्रीम है उसको कोन में डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ कोन्स कितने लगेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगेंगे वॉल के लिए। ऐसे क्वेश्चन में एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, ये जो बड़ा पार्ट है, अब यहाँ पे बड़ा पार्ट वॉल्यूम किसका है, वॉल का, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन डिवाइड करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला है, जो बिगर पार्ट है उसके वॉल्यूम को जो स्मॉलर स्मॉलर पार्ट है उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट नंबर। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट, वी विल राइट द फॉर्मूला। आई एम राइटिंग फॉर वॉल्यूम ऑफ वॉल, आई एम यूजिंग द कैपिटल लेटर एल इंटू बी इंटू एच एंड एल इंटू बी इंटू एच, बोथ आर क्यूबॉइडल सो फॉर्मूला विल बी सेम। ओके, अभी एल हमारा कितना है, 600, 250, 50, और एल कितना है यहाँ पे, 25, 15, 10। ओके, अब हम कैंसिल करेंगे इसको, 5 1 जा 5 3 जा 25 10 जा एंड 3 200। ओके, सो इट विल बी 200 इंटू 10, 2000 ब्रिक्स। लास्ट का स्टेटमेंट रहेगा, देयरफॉर 2000 ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू, आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल ऑफ गिवन डायमेंशन। ओके, तो नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डिवाइड करो, बहुत इजी जाता है, देखो सिस्टमैटिक, सी द प्रेजेंटेशन। ओके, और ये सब ड्रॉ करने की आपको जरूरत नहीं है, तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। फॉर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड डेप्थ 3 मीटर इज बिल्ड, सो वॉट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। बेटा कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, मैंने आपको पहले ही आपको वीडियो में बता दिया है, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। यहां पर है टैंक गिवन, इसका लेंथ कितना है पहले हम वो लिखेंगे, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज 10 मीटर, 6 मीटर, डेप्थ मीन्स हियर वी विल कंसिडर हाइट 3 मीटर। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, दैट मीन्स कैपेसिटी ऑफ द टैंक टू फाइंड। ओके, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर्मूला लिखो, वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, सब्स्टिट्यूट 10 into 6 into 3, 180 मीटर क्यूब, या क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। अब बेटा आपका आगे का क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वॉटर, नाउ दे आर आस्किंग यू इन लीटर, नाउ दिस इज द कैपेसिटी इन मीटर क्यूब, we have to convert it into liter, so likhoge therefore the capacity of the tank is 180 into 1000 liter, multiply karoge 1000 se 18 and 4 times 0 that is 180,000 liter।
I've converted. So this is how we will practice set 16.1. Now there is one interesting sum in your solved example that I will solve. See the question on the screen. The question on the screen, see it. The length and the height of a cuboidal warehouse is 6 meter, 4 meter and 4 meter respectively. Length, breadth or height deviye kiski warehouse ki? Length, breadth and height which is cuboidal. Obviously, diya hua jo given hai, उसे पता ही चलता है ये क्यूबॉइडल है क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों भी डिफरेंट है. 6 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर. ओके, हाउ मेनी क्यूब शेप बॉक्सेस. अभी बॉक्सेस कौन से शेप में बेटा? क्यूब. इसका क्या साइड दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर. So question is, how many boxes will fill the warehouse completely? Okay, so here the question is, how many boxes are required to fill this warehouse? Warehouse एक storage house होता है जहां पर हम चीजें रखते हैं, store करते हैं. So ये boxes उसमें store करने, तो वो पूरा fill करने के लिए ये क्यूब शेप बॉक्सेस कितने लगेंगे? तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू फिल द वेयरहाउस इज वॉल्यूम ऑफ वेयरहाउस, क्योंकि वेयरहाउस यहाँ पे बिग कैपेसिटी है उसकी, जिसमें बॉक्सेस को हमको फिल करना है बॉक्सेस से. वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस. अब हमको पता है कि वेयरहाउस क्यूबॉइडल शेप में है, इसलिए एल इंटू बी इंटू एच, और बॉक्सेस क्यूब शेप में है इसलिए उसका फॉर्मूला है एल क्यूब. ओके चलो. अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर हमने मिस किए है, ये क्या हमने यहाँ पे यूनिट नहीं देखे? देखो यूनिट यहाँ पे तो मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है. तो पहले हमको या तो इसको कन्वर्ट करना है या तो इसको कन्वर्ट करना है. तो ये तो एक ही है ना, तो चलो हम इसको कन्वर्ट कर दें. ओके फाइन, दिस विल बी बेटर फॉर यू. दिस इज 600 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर. ये बेटर होगा इससे कन्वर्ट करने से. अच्छा, हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो इट विल बी 600 × 400 × 400 अपॉन 40 × 40 × 40. क्यूब है ना बेटा. चलो अभी हम कैंसिल करेंगे. 40 टेन्स 40 टेन्स 1 1 0 कैंसिल, 2 2 2 300 एंड 2 5. सो इट विल बी 15 100. देखो यहाँ पे 5 3 15 एंड 2 0s. सो 1500 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू फिल द वेयरहाउस. आपका लास्ट स्टेटमेंट रहेगा, देयरफॉर 1500 क्यूबिकल बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू फिल द वेयरहाउस विथ given dimensions. Dimensions means length, breadth and height. Okay, so hope so that you have understood. Bacha, go through the video, understand it and then solve. Okay, in our next video we will continue with next practice set 16.2. till then, bye, take care.